नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने जो अपनी यात्रा को मतलब एंड किया था, वो किया था बीकानेर से। बीकानेर से हम लोग चले गए थे। हम पहले भी यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला था, तो यहाँ पे होटल वगैरह भी नहीं मिल रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जैसलमेर का फोर्ट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये इसका मेन गेट बना हुआ है, जिससे अभी हम एंट्री लेंगे और एंट्री लेके अंदर चलेंगे। अंदर से आप लोगों को फोर्ट दिखाएंगे। ये जो गेट है, इसका नाम है अक्खी पोल। पोल का मतलब होता है द्वार। तो यहाँ पे ये गेट बना हुआ है। चलिए, अक्खी पोल है। यहाँ से अभी हमने एंट्री ले ली है और एंट्री लेने के बाद ही हम एक चौक में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये चौक बना हुआ है। 12 जुलाई 1156 को महाराजा जैसल ने इस किले का निर्माण करवाया था। यानी ये महाराजा जैसल ने इसको बनवाया था और मेरू पर्वत पे ये बना हुआ है। जिस पर्वत पे ये बना हुआ है, उसका नाम है मेरू। तो इससे मिलके, यानी जैसल और मेरू मिलके, ये जैसलमेर बना है। तो ये यहाँ पे किला है। किले के चारों तरफ अगर आप देखेंगे, वहाँ पे वोर्ज बने हुए हैं, जिनमें अभी होटल वगैरह हैं, और ये इस किले के अंदर लगभग 3000 लोग रहते हैं। राजस्थान के सबसे पुराने किलों में ये किला गिना जाता है। ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। यानी चित्तौड़गढ़ का जो किला है, वो सबसे पुराना किला माना जाता है। और ये जो है, उसके बाद में इस किले को बनवाया गया था। लगभग 800 साल पहले इस किले का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे जो बुर्ज बने हुए हैं किले के पास में, उन बुर्जों को आप लोग नज़दीक से देखिए। थोड़ा जूम करके दिखाइए अमर भाई। इन बुर्जों पे जो आप लोगों को सुराख दिख रहे हैं, इन सुराख से गर्म पानी करके दुश्मन के ऊपर डाला जाता था। यानी दुश्मन अगर इस दीवार से चढ़ने की कोशिश करे तो, और मान के चलो अगर उनके पास गर्म पानी भी ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक और इंतज़ाम किया गया था। आप लोग देखेंगे तो देखो, वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर आप लोगों को देखेंगे बुर्जों के ऊपर जो रखे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, चारों तरफ आप लोगों को इस प्रकार के पत्थर रखे हुए मिलेंगे बुर्ज के ऊपर। तो जब मतलब पानी वगैरह नहीं होता था, तो इन पत्थरों को ऊपर से ढकेल दिया जाता था। जो दुश्मन के चढ़ने के मतलब दुश्मन अगर चढ़ता था, तो उसके ऊपर आके गिर जाते थे। तो इस प्रकार की कुछ यहाँ पे बुर्जों पे व्यवस्था की गई है, और सभी बुर्जों पे एक एक सैनिक यहाँ पे खड़ा रहता था। आप लोग ऊपर जो देख रहे हैं, ये जो है, ये दो महल हैं। यहाँ पे जिस पे ये फ्लैग लगा हुआ है, ये राजा का महल है, और ये वाला जो है, ये रानी का महल है, जो आगे चल के हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये जो पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ इस तरह के पत्थर मतलब बुर्जों पे वहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ और देखो, ये पड़े हुए हैं। तो ये वही पत्थर हैं जो ऊपर से अगर दुश्मन हमला करता था, तो उनके ऊपर गिरा दिए जाते थे। इस पत्थर का कितना वजन होगा लगभग? 50 किलो। 50 किलो वजन होगा ये पत्थर जो है, 50 किलो का है। उठा के देखूँ एक बार, उठ जाएगा कि नहीं? 50 से 55 किलो। हाँ, लगभग 50 किलो तो है। 50 से 55 किलो है इसके अंदर भी। तो इस तरह के जो पत्थर हैं, वो चारों तरफ बुर्ज पे रखे हुए हैं। किले में आगे की तरफ चलना। यहाँ पे ये जो मंदिर बना हुआ है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है। अभी हम किले के दूसरे गेट पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है सूरज पोल। सुबह सुबह का टाइम है, तो भीड़ भाड़ अभी किले के अंदर कम है, और जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भीड़ भाड़ होती जाएगी, लोग आते जाएंगे। और इससे आगे ही यहाँ पे हमको जैसे लग रहा है कि जिगजैग तरीके में यहाँ पे जो गेट है, तीसरा वाला, वो बना हुआ है। ये यहाँ पे है गणेश पोल। तो ये इसका तीसरा गेट है, और ये जिगजैग तरीके में बनाया हुआ, सीधा गेट नहीं है। दुश्मन को भटकाने के लिए जिगजैग तरीके में हर किले में आप लोगों को जो गेट मिलेंगे, वो इसी प्रकार से बने हुए होंगे। और ये जो गेट है, देखो कितना पुराना है, लकड़ी का, उसी समय का गेट है, काफ़ी पुराना है। 800 साल पुराना ये गेट है, जब ये किला बना था। आइए आगे की तरफ। ये इस किले का चौथा गेट है। दोस्तों, अभी हमने इस किले को अच्छे तरह से घूमने के लिए यहाँ पे एक गाइड लिए हैं। तो इनका नाम है विक्रम सिंह गौड। तो ये आज हमको ये पूरा किला घुमाने वाले हैं। इसके बाद देखो, इस चौक को बोलते हैं दशहरे का चौक। वो लिखा हुआ ना, दशहरे का चौक। पुराने जमाने में दशहरे का फेस्टिवल मनाती थी। ये चामुंडा देवी का मंदिर है। यहाँ बकरे और बफेलों की बलि दी जाती थी। वो व्हाइट चेयर, वहाँ राजा बैठते थे, स्टेप बाय स्टेप उत्तराधिकारी बैठते थे। कहाँ पे? वो व्हाइट चेयर देखो सामने बड़ी है। अच्छा, हाँ, वो वहाँ पे, हाँ, वहाँ राजा बैठते थे, स्टेप बाय स्टेप उत्तराधिकारी बैठते थे। ये राजा का महल है, इसके देखो विंडो पूरे ओपन है, खुले हैं। ये रानी का महल है, इसके क्लोज है। तो पुराने टाइम में पर्दा पड़ता होता था, बाहर का आदमी रानी को नहीं देख सके। जो बाहर प्रोग्राम होता था, वो रानी अंदर से देख सकती थी। और इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में 1156 में बनाने वाले राजा का नाम था जैसल।
और त्रिकुट तीन खूनी पहाड़ी पे बना हुआ है, पहाड़ी को बोलते हैं मेरू, इसलिए जैसल प्लस मेरू इस किले का नाम जैसलमेर पड़ा है। और जो भी किला बना हुआ है लॉकिंग सिस्टम है, पहले जैसलमेर में पानी की कमी थी, अभी इंदिरा गांधी कैनाल आने से पानी की समस्या खत्म हो गई है, तो अब यहाँ खेती भी अच्छी होती है, हरियाली भी अच्छी है और फसल भी अच्छी होती है, अब पानी की कोई कमी नहीं है। तो अपन चलेंगे पहले महाराजा का महल, वहाँ से एंट्रेंस करेंगे, फिर आईएस पॉइंट देखेंगे और फिर ये रानी का महल देख के फिर वापस इधर से एग्जिट होगा। राजा और रानी का महल दोनों अंदर से जॉइंट है। इसमें दो कास्ट रहती है इस किले में, 4,500 लोग रहते हैं, लिविंग पोर्ट है। पुराने ज़माने में जैसलमेर की आबादी किले में रहती थी, बाहर कोई नहीं रहता था, इसलिए ये लोगों के पर्सनल मकान है। राजा रानी का महल है वो राजा के पास है, बाकी लोगों के पर्सनल मकान है। ये राजपूत पार्ट है जो राजा के लिए सैनिक सोल्जर का काम करते थे, ये ब्राह्मण पार्ट है जो राजा के लिए पूजा पाठ का काम करते थे। तो पहले अपन इधर चलते हैं राजा का महल देख के। टिकट हम लोगों ने ले लिया है 1 पर्सन का, 200 रुपये का टिकट है, जिसमें कैमरा और मोबाइल इंक्लूड रहता है, यानी इसका आपको कोई अलग से टिकट नहीं लेना पड़ेगा। चलिए तो ये जोधपुर के राजा गज सिंह जी है, ये उनकी वाइफ है, ये उनकी फैमिली है। ये पहले यहाँ के राजा थे जिनकी 28 दिसंबर 2020 को डेथ हो गई। ये इनकी महारानी, इनकी शादी नेपाल होके रखी थी और ये सिटी का हाईएस्ट पॉइंट व्यू है। ये नीचे ज़मीन से 250 फीट ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है। और ये 2003 में अमिताभ बच्चन वगैरह घूमने आए थे, राजा का ड्रेस है जिनकी सारी फिल्म की भी तो शूटिंग हुई थी, बहुत होती है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, सब होती है, कृष्णा वगैरह है ना, यानी जैसलमेर वगैरह सब होती है शूटिंग। हर ऑफ सीजन जैसे गर्मी आती है तो 10-15 फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। ये राजा का ड्रेस है जिसकी एशिया के सबसे हाइट कम लगी, 7.5 फीट हाइट थी, 250 किलो वजन था। इनका नाम था सालीवान सिंह, ये राजा इनके बड़े लड़की प्रेजेंट टाइम में, ये हाँ ये राजा है, ये इनका पुराना फोटो है 2008 का। इनका इनका नाम चैतन्य राज सिंह जी भाटी, ये इसको बोलते हैं झरूखा। देखो ऐसे लग रहा है लकड़ी है, लकड़ी नहीं, ये सिंगल पत्थरों पर बारीक काम किया हुआ है। और ये डिजाइन जो आप देख रहे हो साइड का डिजाइन नेकलेस का है और बीच का है वो झुमका होता है लेडीज का, तो ये पूरा काम किया हुआ है, वो लेडीज की ऑर्नामेंट ज्वेलरी का काम है। और राजा यहाँ बैठते थे, आने जाने वाले पे नज़र भी रखते थे और ये आने जाने के लिए हवा के लिए झरोखे होते थे पहले। और जो भी आप छत देखोगे तो वो लकड़ी की होगी, प्राणी जो भी छत है वो लकड़ी की है। लकड़ी की क्यों बनाई गई? इसका कारण ये गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म, तो ये ना देखो अंदर आते ही थोड़ा ठंडा महसूस होता है। और इसको बोलते हैं खोखरी, ये नेपाली औजार है। जिस राजा की 2020 में डेथ हुई थी उनकी शादी नेपाल होके रखी थी तो उसको खोखरी बोलते हैं। ये पुरानी तलवारें हैं, चामुंडा देवी का अपन ने मंदिर देखा था, बकरे और बफेलों की बलि होती है तो ये तलवारें उस टाइम वहाँ यूज होती थी। 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म बनी थी सुनील दत्त की, उस फिल्म में बलि प्रथा को दर्शाया गया है। चामुंडा देवी के मंदिर आगे सुनील दत्त को बलि देते हुए दर्शाया गया है। उसके बाद से इंदिरा गांधी ने बलि प्रथा पे बैन लगा दिया, 1971 के बाद से बैन लग गया था। और ये बंदूक है, आपने कहावत सुनी होगी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो यहाँ साबित होती है। इसको दो आदमी चलाते थे, कैमल ऊंट पे चलाते थे बंदूक, एक एक कंधे पे रहती थी, पीछे से दूसरा चलाता था। कैमल की गर्दन लंबी होती ना, इसलिए उनको चलाने के लिए दो आदमी की जरूरत होती थी। और इस बंदूक का नाम है टोपीदार बंदूक और इसमें बारूद भरते थे, ये बारूद से चलता था। इसको बोलते हैं कुपी, ये भैंसे के सींग की और चमड़े की बनी होती है। पहले इसमें बारूद डालते थे, बारूद डाल के रेत में दबाते थे, जैसे हाथी वगैरह पाँव होता वजन तो विस्फोट माइंस होता था, पुराना लैंड माइंस से ही। और ये पुराने टाइम में चांदी के सिक्के चलते थे तो वो छापने का स्टैंप है ये हाँ स्टैंप है। अच्छा, इससे चांदी के जो सिक्के थे वो छापे जाते थे। हाँ, और ये पुराना ढाल है, बच्चे यूज करते थे इसमें, छोटे होते थे ना राजकुमार। और ये पुराना लाइटर है और इसको बोलते हैं देसी कट्टा। और ये राजस्थान के लोग अफीम खाते हैं तो अफीम खाने का है। पहले आदमी मेहनत ज़्यादा करता था, थकान महसूस होती थी, अफीम खाने से थोड़ा एनर्जी पावर आ जाता था। देखो जिस दिन राजा खत्म होता है उसी दिन दूसरा राजा चुनते हैं, लेकिन पहले राजा की 28 दिसंबर 2020 को डेथ हुई थी। दिसंबर यानी कि मलमास चलता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक, उसमें कोई शुभ काम नहीं होता है, इसलिए उनके लड़के का 15 जनवरी 2021 को राजतलक होता है। और राजतलक हुआ था और राजतलक यही होता है, यहाँ मंत्र उच्चारण होता है। मंत्र उच्चारण के बाद राजा जनता के सामने व्हाइट चेयर देखा आपने बार, फिर वहाँ जाते हैं। इस छत्र को बोलते हैं मेघाम्बर छत्र, इनकी उत्पत्ति श्री कृष्ण भगवान से हुई, ये कृष्ण जी के वंशज हैं, तो उस छत्र को बोलते हैं मेघाम्बर छत्र।
उसकी पत्तियां हैं वो देखो, ऊपर घूमट वगैरह वो पूरा सोने का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिंहासन पे तलवार रखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि राजा अभी जीवित है। जीवित मतलब सिंहासन पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, पीढ़ी चल रही है, चल रही है। लेकिन अगर जैसे तलवार नहीं रहती है, ये सिंहासन खाली पड़ा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि राजा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और उनका वंशज कोई आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, बड़ा है नहीं। और जैसे कि यहाँ पे जो तलवार रखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि राजा अभी जीवित है और उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। इसका ये संकेत, राजा जिंदा है और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो इसलिए तलवार खाली नहीं रहता। हाँ, इसलिए तलवार ये रखा हुआ, इनका खानदानी तलवार, क्योंकि पहले राजा वगैरह बैठते थे सिंहासन पे, तो अभी तो राजशाही वो शासन है, तो उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से यहाँ पे ये तलवार रखी हुई है, जिसका संकेत सीधे तौर पे ये है कि राजा अभी जीवित है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका चल रहा है, राज परिवार चल रहा है। तो ये तलवार रखा, तो ये यहाँ पे ये जो है ये चांदी का है ना सारे, ये पूरा चांदी का है और ऊपर वो छत्र है, मेगामर छत्र बोलते हैं ना, वो पूरा सोने की पत्तियां वगैरह देखो, उसका घूमट है, वो छड़ी वगैरह सब है ना। अच्छा, वो तो वो पूरा सोने का है, इसको बोलते हैं रणबेरी। अच्छा, पुराना मैसेज बॉक्स, तो जो भी पहले जनता को मैसेज देता था, देने थे आदेश देने थे, तो यहाँ से देते थे। यहाँ बड़े बड़े नगाड़े होते थे, आपने सुना होगा पुराने टाइम फिल्मों वगैरह में नगाड़े होते, सुनो भाई सुनो, तो यहाँ नगाड़े होते, नगाड़ों के माध्यम से यहाँ संदेश देते थे, यहाँ से पूरा सिटी दिखता था। तो ये नगाड़ खाना है, ये नगाड़ खाना, ये मैसेज बॉक्स ऑफ रणबेर, यानी युद्ध का क्षेत्र वगैरह जो भी है, जनता को संदेश देना होता तो यहाँ से देते थे। अब चलेंगे त्रिपोलिया, त्रिपोलिया का मतलब है तीन गेट, ये एक दो और ये तीन गेट है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिपोलिया। देखो प्राणी जाई में जो भी ज्वेलरी वगैरह है, जो भी है गुप्त, अगर मैसेज वगैरह रखने होते तो यहाँ रखते थे ज्वेलरी वगैरह। ये देखो यहाँ पर ये दरवाजा होता था, पेंटिंग होती थी या देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, तो उसको बंद कर देते थे, तो मालूम नहीं पड़ता वो अंदर ज्वेलरी बॉक्स वगैरह बना हुआ है। और देखो मैंने आपको बताया, इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में 1156 में हुआ था। बनाने वाले राजा का नाम था जैसल त्रिकुट, तीन खूनी पहाड़ी पे बना हुआ है, पहाड़ी को बोलते हैं मेरू, इसलिए जैसल प्लस मेरू इस किले का नाम जैसलमेर पड़ा। देखो इधर दीवार देखो, जो भी किला बना हुआ है लॉकिंग सिस्टम में, न चूना है, गारा है, सीमेंट है, कुछ प्रयोग नहीं है। पहले यहाँ पानी की कमी थी, लेकिन इस किले की खासियत आने जाने के चार गेट ही है, कहीं भी जाओगे घूम के वापस आपको इसी गेटों से आना जाना है। लेकिन एक गेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा गेट दिखाई नहीं देगा, फर्स्ट गेट है उसे सेकेंड नहीं देगा, सेकेंड से थर्ड दिखाई नहीं देगा, थर्ड से चौथा, अभी अपन चौथे गेट पर खड़े। इसका कारण ये है, पुराने ज़माने में जब हाथी और घोड़ों से अटैक होता था, तो एक गेट से दूसरा गेट घोड़ाई और चढ़ाई में, उनके कारण उनका बैलेंस बिगड़ जाता था, बैलेंस बिगड़ने में उन पर गर्म तेल और ये गोल गोल पत्थर पड़े दीवार पे, देखो ये रखे हुए ना, ये वो दीवार पे पत्थर रखे हुए, तो ये पत्थर उन पर अटैक करते थे। एक पत्थर का वजन कम से कम 100 किलो, कितने आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, लेकिन ये पत्थर गिरे नहीं, वैसे के वैसे 100 किलो का होगा। अभी नीचे मैं एक पत्थर को उठा के आया हूँ, 50 किलो का वेट होगा, 50-55 किलो, वैसे कम होता है ना। फिर देखो ये बड़े बड़े हैं ना जो ऊपर वाले, ऐसे तो किसी का थोड़ा बहुत नॉर्मल छोटा होगा, अब जैसे टूट भी गए हैं, लेकिन 50-100 के करीब है इनका, है ना, बड़े बड़े के रखे लंबे लंबे। हाँ, तो ये कितने आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, अभी गए नहीं। और ये देखो इन राजाओं के ओरिजिनल फोटो नहीं है। अच्छा, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, क्योंकि इनका फेस देखो एक तो साइड का है, सामने नहीं है, ओरिजिनल होते तो सामने होते। दूसरे में ये राजा राजपूत है, लेकिन आप इनका साफा देखोगे तो मुगल कालीन है, तो ये कल्पना के आधार पर बने, किसी ने वहाँ उस टाइम किसी ने इनको देखा नहीं है ना। ये सारे के सारे जो फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सारे काल्पनिक हैं, ओरिजिनल अपन वहाँ से देखेंगे। और देखो मैंने आपको बताया था कि इनकी उत्पत्ति श्री कृष्ण भगवान से हुई है, ये भाटी यदुवंशी उनका मैप है, ये कृष्ण भगवान हो गए, ये राजा जैसल हो गए, और ये बृजा सिंह जिनकी 2020 में डेथ हो गई। ये फर्स्ट नाम वंशावली में कृष्ण भगवान का आ गया, 116वीं पीढ़ी है अभी जो चल रही है वो 116 नहीं, वो नहीं शुरू यहाँ जैसलमेर की है, वो 116 अच्छा, मतलब श्री कृष्ण से यहाँ से शुरू हुआ। हाँ। पहला, और उसके बाद जो भी यहाँ पे राजा बनते गए उनके उसमें वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो टोटल जो राजा जैसलमेर के थे वो 116 में राजा थे, और अभी 159वीं पीढ़ी चल रही है ये ना 150। अच्छा, ये देखो 158 नहीं 59 चल रही है, ये खत्म हो गई, इनकी डेथ हो गई ना बृजराज सिंह, अभी इनके लड़के हैं, उनका नाम नहीं अभी, चेतेंद्रराज सिंह जी। अच्छा, वो 159 है, वो अभी पीढ़ी चल रही है 159 है। जो कृष्ण जी के वंशज है वो चंद्रवंशी है, और राम के वंशज जो है वो सूर्यवंशी है, जैसे जोधपुर के राजा है तो वो सूर्यवंशी, वो राम के वंशज है, ये यहाँ पे कृष्ण के वंशज, ये कृष्ण के, यहाँ से इनके ओरिजिनल फोटो है, ये आप देख लो,
किनका फेस सामने है, यहाँ से ये ओरिजिनल फोटो है ना। हाँ, और इनका देखो ये साफा भी है, वो राजपूत का है। और ये जैसलमेर में 44 राजा हुए अभी 44, जिनमें सबसे शक्तिशाली हाइट वाले राजा ये थे सालिवान सिंह जी, जिनकी 7.5 फुट हाइट थी, 250 किलो वजन था। और ये ब्रजा सिंह जी, मैंने आपको बताया कि एशिया के सबसे खूबसूरत महाराजा थे, इनकी पर्सनलिटी हाइट वगैरह सबसे सुंदर महाराजा थे। और अभी ये राजा हैं, इनका नाम है चेतनराज सिंह जी, ये हाँ प्रेजेंट टाइम में ये राजा हैं। हाँ, जो अपन नीचे फोटो देखा था 2008 का, उस टाइम बच्चे लग रहे थे, पुराना था ये, 21 का है जब राजा बने थे, उस टाइम का फोटो है। जो राजा खत्म होता है उसका बड़ा लड़का ही राजा बनता है, तो ये अभी राजा है यहाँ जैसलमेर के। जो भी अपन टिकट विकेट देते आए इनको जाता है, राजा रानी का महल पैलेस इनके पास है ना। इस चौक को बोलते हैं होली चौक। पुराने जमाने में यहाँ होली का फेस्टिवल मनाया जाता, राजा लोग वगैरह यहाँ होली खेलते थे, रानियाँ पर्दा पड़ता होती थी, रानियाँ ऊपर से रंग गुलाल वगैरह डालती थी, और जनता के लिए राजा इधर से बाहर से ही विंडो बनी हुई थी, यहाँ से ऊपर से रंग वगैरह गुलाल वगैरह डालते थे। और पहले जैसलमेर में पानी की कमी थी, तो बरसात का पानी वहाँ से आता था उधर कैनाल से, फिर इसमें जाता था, यहाँ टैंक होता था, उस पानी को यूज़ करते थे, वापस वेस्ट नहीं जाने देते थे। अच्छा, तो एक पानी को 2-3 बार यूज़ करना पड़ता था। ये 600 साल पुराना मूर्ति कक्ष है, ऐसे लग रहा है लकड़ी है, लकड़ी नहीं, ये पूरा सिंगल पत्थरों पे एक एक मूर्तियाँ बनी हुई है। बनाने वाले ने मन की भावना कल्पना के आधार पर इनको बनाई है। जैसे आपने श्री राम की मूर्ति कहीं देखी, दाढ़ी वाले कहीं नहीं देखे, तो कल्पना ये बताई, जब राम 14 साल के वन में गए थे तो उनका चेहरा कैसा लग रहा था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी इस टाइप से। और ये लकड़ी का घोड़ा है, जब राजकुमार को पहली बार घोड़े की सवारी कराते हैं तो उसका डर भय निकालने के लिए पहले लकड़ी का घोड़ा यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया पहले जैसलमेर में पानी की कमी थी, तो जैसलमेर उस टाइम देखना एक काले पानी की सजा थी, यहाँ पानी कम मिलता था, पेड़ पौधे छाया वगैरह हरियाली वगैरह थी, कुछ नहीं होती थी। तो जैसलमेर देखना है तो उस टाइम एक कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का लकड़ी का, जो चारा पानी नहीं मांगे, पिंड कीजिए पाषाण, आदमी का शरीर हो पत्थर जैसा, जो खाना पीना नहीं मांगे, बख्तर यानी वस्त्र कीजिए लोहे से, जो 50 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सके, फिर देखो जैसाण, फिर जैसलमेर देखना आसान होता था। देखो उसको बोलते हैं दीवाने आम, आम में सभा लगती थी, राजा यहाँ बैठते थे, यहाँ मंत्री लोग, बाहर जनता बैठती थी। पुराने टाइम में जो भी टैक्स है, कर है, डिस्कस है। अच्छा, ये यहाँ पे हाँ, चौक है बैठने के लिए। हाँ, ये चौक है, इस पे जनता बैठती थी। हाँ, जो भी टैक्स है, कर है, डिस्कस है, राय, मेन मुद्दे होते थे ना, उनका निवारण यहाँ होता था। तो अभी काम चल रहा है, राजा का बेड हटा दिया है, सिंहासन अभी क्या है कि ये ढाल रखा हुआ था बेड पे, कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, सिंहासन खाली नहीं रहे, तो ये सोने का काम किया हुआ ढाल रखा हुआ था। ये किले का एक कोना है, वो दूसरा कोना है, और ये तीसरा किला देखो, जय मंदिर वगैरह ना, ये पहाड़ी पे बना हुआ, मैंने आपको बताया तीन कोनों पे बना हुआ। पहले जैसलमेर की आबादी किले में रहती थी। तो ये देखो, ये सब राजा रानी का महल है, ये राजा के पास है, बाकी ये लोगों के पर्सनल मकान है। तो ये टूरिस्ट पैलेस है, इन्होंने होटल रेस्टोरेंट वगैरह बना के रखे हैं सभी। ये देखो ना मकान है ना, ऊपर नीचे रहते हैं, ऊपर रेस्टोरेंट है और बाहर दुकान है, आगे की साइड दुकान बना, टूरिस्ट पैलेस। सर्वोत्तम विलास, सर्वोत्तम विलास सबसे श्रेष्ठ, तो उसको सर्वोत्तम विलास बोलते हैं। तो राजा यहाँ बैठते थे, देखो ये चार पाई है ना, तो ये राजा के देखो, जब राजा सोते थे तो उनके सोते वक्त पांव नीचे रहते थे। इसका कारण ये है कि जब कोई दुश्मन अटैक करे तो फुर्ती दिखा के अपना बचाव कर सके। और दूसरा, चारपाई छोटा होने का कारण ये है, दुश्मन चारपाई के नीचे छुप के राजा पे वार नहीं कर सके। और वो राजा का ड्रेस है सालिवान सिंह, जिनकी 7.5 फुट हाइट थी, 250 किलो वजन था। और ये चांदी के सोफे यहाँ मेहमान बैठते थे। और ये देखो, पहले जो भी पैसे वाला होता था वो चांदी के बर्तन में खाना खाता था, क्योंकि पहले तो आदमी के पास सुरक्षा तो बहुत होती थी, तो उसी को मारने का तरीका क्या होता था, खाने पीने में जहर डालना। चांदी के बर्तन में अपन अगर कोई जहर डाल दे तो उसका कलर चेंज होता, नीला पड़ जाता है, तो उसे मालूम पड़ जाता है इसमें जहर डाला हुआ है। तो जो भी आप म्यूजियम देखेंगे, पुराने बर्तन वर्तन देखेंगे, तो चांदी के बर्तन में, और पानी ठंडा रहता था इसमें। रानी के महल में राजा के अलावा कोई आदमी अलाउ नहीं था, राजा को अगर रानी से मिलना है तो यहाँ आना पड़ता था, और ये अंदर आने का रास्ता होता था गुप्त। और ये रानियों के वॉशरूम होते थे, और ये झरोखे, गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर चलता है तो रानियों के लिए हवा के लिए झरोखे होते थे, यहाँ ठंडी हवा चलती थी। ये है अपनी गणगौर माता है, ये लेडीज का त्यौहार है, ये होली के दूसरे दिन शुरू होता है, कंटिन्यू 16 दिन तक इसकी पूजा की जाती है। शादीशुदा औरत है पति की लंबी उम्र के लिए, कुंवारे अच्छे पति कामना के लिए इसका व्रत रखती है। ये पूरा हाथी दांत की बनी हुई है, जो भी ज्वेलरी है ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं ना सोने पे कुंदन का काम किया हुआ, तो सोने पे कुंदन का काम किया हुआ है।
यहाँ से रैली निकलती है, गणेशर लेक जाती है, वहाँ पूजा करके फिर वापस आते हैं दशहरे चौक में, फिर जनता के सामने रखते हैं दर्शन के लिए। और ये पार्वती माता का रूप है। देखो ये इस किले का मैप है, मैंने आपको बताया त्रिकुटगढ़ तीन कोणों पर बना हुआ है, एक कोणा, दो कोणा और ये तीन कोणा, ऐसे लग रहा है इंडिया का मैप है। इंडिया का नहीं, ओनली फॉर किले का है, सिंगल पत्थर पर बना। और इस किले का मैंने आपको बताया, देखो आने जाने के ये चार गेट है, ये आने जाने के चार गेट है। फर्स्ट गेट से सेकंड दिखाई नहीं देगा, देखो सामने रास्ता है कि नहीं, गोलाई और चढ़ाई में, दूसरे से तीसरा, तीसरे से ये चौथा। गलियों में कहीं भी जो जाओगे घूम के अपने को दशहरे चौक में आना है। ये चामुंडा देवी का मंदिर है, ये राजगुरु का हवेली है, ये जैन मंदिर, ये गली घूम के इधर आएगी, इस नहीं तो ये इधर आएगी। ये कैनॉन पॉइंट है, सिटी का व्यू पॉइंट है, ये राजपूत पार्ट है, नॉन वेज है, ये ब्राह्मण पार्ट है, वेज पार्ट है, और ये राजा रानी बीच में है, मिक्स वेज है, तो उसको त्रिकुटगढ़ बोलते हैं। देखो ये रानियों के रूम होते थे पहले, तो हर रानी का अलग अलग रूम होता था। मैंने बताया आपको उनकी सेवा के लिए दासियां होती थी, यहाँ रानियां दासियों के साथ टाइम पास गेम खेलती थी, प्लेइंग कार्ड वगैरह खेलती थी। तो अभी काम चल रहा है, तो उनके बेड हैं, प्लेइंग कार्ड वगैरह सभी हटा दिए। पहले कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं होता था, लाइट वाइट नहीं होती थी, तो हवा के लिए, रोशनी के लिए ये देखो ये झरोखे होते थे, इससे रोशनी भी आती थी और हवा भी आती थी। ये देखो ये पूरा पत्थर है, बैठ बैठ के पूरा घिस गया, ये ना इसका कलर ही चेंज हो गया, देख लो, और हवा क्रॉस हो इसलिए ये स्मॉल विंडो बनी हुई। जैसलमेर में गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर चलता है, तो हवा को ठंडे करने का क्या तरीका है, हवा बाहर से घूम के आती है, फिर उधर से आती है इस विंडो में, और फिर इस विंडो में आती है, यहाँ आते आते अंदर कम रूम तक आते आते हवा दीवार से टकरा के ठंडी हो जाती है। और ये देखो जो भी किला बना है लॉकिंग सिस्टम है, चूना गारा सीमेंट कोई पत्थर के ऊपर पत्थर रखिए। ये जैसलमेर की गलियों में पूरा मार्केट यहाँ पे लगा हुआ है, जब भी किले में घूम रहे हैं, अभी तो किले में ही है ना हम लोग, हाँ। तो यहाँ किले में भी आप लोगों को बहुत सारी मार्केट दिख जाएंगे। वो राजा रानी का महल देखा अभी, बेटा वहाँ से किस सोचते बेटा था ने राजा और रानी का महल देखा है, अभी भी घूम रहे हैं। ये किला पूरा है तो लिविंग फोर्ट, ये लोगों के पर्सनल मकान, देखो होटल रेस्टोरेंट वगैरह है। ये कैनॉन पॉइंट है, पांच धातु का बना हुआ है, सोना चांदी पीतल पांच मेटल है, फाइव मेटल इनसाइड है, पांच धातु से मिलकर बना हुआ है। उसमें पहले यहाँ बारूद डालते थे, बारूद डालने के बाद यहाँ आग लगाते थे, आग लगाने के बाद यहाँ पानी भरा होता था, आदमी को उसके अंदर बैठना पड़ता था, क्योंकि उसकी धमाके की आवाज़ इतनी तेज होती थी कि कानों के पर्दे नहीं फट रहे, इसके लिए आग लगाने के बाद आदमी को पानी में बैठना पड़ता था। तो सब जगह क्या है कि टिकट लगता है, तो गवर्नमेंट इसको व्यू पॉइंट बना के रखा है, तो जो भी लोग अगर टिकट नहीं देना चाहे तो ये फ्री का जैसलमेर का व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी के लिए पैलेस बना के रखा है। देखो ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, कोई चूना गारा सीमेंट प्रयोग नहीं है। ये अपन ने देखा था गणेशर लेक है, पानी का तालाब है, ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है, सालम सिंह जी का हवेली है, ये पटवा का हवेली है, देखो ये जैन मंदिर है, पाई मंदिर साथ में है, इसको बोलते हैं देखो तोरण द्वार। ये जो भी जैन मंदिर है ये 600 साल पुराने मंदिर है, ये मंदिर यहाँ से पहले 15 किलोमीटर दूर लिद्रवा गांव है, वहाँ थे ये जैनी लोग, व्यापारी लोग थे पुराने टाइम में, ये बिजनेस में थे, इनकी ऑल इंडिया में 300 दुकानें थी, इराक है ईरान वगैरह उनका बिजनेस होता था इनका। तो ये मंदिर यहाँ से 15 किलोमीटर लिद्रवा गांव थे, 1300 ईस्वी में मुगलों ने इनके मंदिरों को तोड़फोड़ कर दिया था। पुराने टाइम में राजा को टैक्स कर देते थे, क्योंकि जैसलमेर एक सिल्क रूट था कैमल कारवां, तो इसलिए राजा को टैक्स देते थे। तब इन्होंने राजा से इजाज़त मांगी कि हमारे को किले में मंदिर बनाने की इजाज़त दो, तब राजा ने इजाज़त दी, लेकिन दो शर्त रखी, जो भी मेन मंदिर बनेंगे यहाँ के येलो स्टोन के आप देख रहे हो, और दूसरा मेन प्रतिबंध की है वाइट मार्बल की, इसके चारों तरफ जो भी मूर्तियाँ लगेगी, ये गणेश जी वगैरह लगवाना तो ये पूरी हिंदू देवी देवता लगेगी, ये जैसे लगे, हाँ, तो ये राजा की शर्त थी। और जो भी मंदिर बने हुए लॉकिंग सिस्टम है, इसमें चूना गारा सीमेंट वगैरह कोई प्रयोग नहीं है। ये इन मंदिरों को आठ मंदिर हैं, इनको बनने में 200 साल लगे, और इन आठ मंदिरों में जैन भवन की छोटी बड़ी मूर्तियां देख रहे हो आप, इस पूरा ये देखो इस साइड में ये सब बनी हुई है, छोटी बड़ी है ना, इस साइड में ये पूरा 6666 मूर्ति है। अच्छा 6666 अपन बोलते हैं, 4 × 6 हो गया, 6666 प्लस करते हैं 6 × 24 होते हैं 24। तो ये इनके जितने भी धर्म गुरु हुए 24 हुए, लास्ट माओवी स्वामी जी हैं। और ये देखो इनमें प्योर चंदन चढ़ता है, ये देखो ये चंदन घिसा हुआ चंदन है, ये चंदन की घिसाई होती है, वो चंदन की लकड़ी है,
तो ये प्योर चंदन की घसाई होती है, आप लगाओ चंदन की लकड़ी है, प्योर। हाँ प्योर चंदन की लकड़ी है और ये घसने वाला है पत्थर है, देखो ये घसाई होती है, अभी घस के रखा है, देखो ये पूरा अभी गीला पड़ा है लकड़ी, तो ये प्योर चंदन देखो पीला एकदम ऐसे, ये घसाई होती है पूरी। अभी हम लोग केले को घूम के वापस आ गए हैं, पीछे ये यहाँ पे केला है जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं पे अभी हम रिटर्न आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने ये जो जैसलमेर का किला था ये देखा, और अभी हम जाने वाले हैं पटवाओं की हवेली जो है, यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ बनी हुई हैं, तो उसका क्या है हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में उसको जोड़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।